अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिएगा, हमारे एक भाई का सवाल आया कि हज़रत, जैसे हम सफ़र करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 150-200 किलोमीटर चले जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि 100 किलोमीटर हम चलते हैं, तो क्या हम मुसाफिर हो जाते हैं या नहीं? अगर हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो हम कितनी रकात नमाज़ पढ़ें सफ़र में, और अगर हम कितने किलोमीटर चल लेंगे तो हम मुसाफिर हो जाएंगे, और इसके क्या मसाइल हैं, इसके ताल्लुक से आप ज़रा कुछ बता दीजिएगा। तो आइएगा, आज मैं मुसाफिर की नमाज, यानी सफर में आप नमाज कितनी रकात पढ़ेंगे, आधी पढ़ेंगे, कितनी पढ़ेंगे, सुन्नत है, सुन्नतों में कसर होगी या नहीं होगी, किन किन चीजों में कसर की जाती है यानी आधी पढ़ी जाती है, तो एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। पहले आप ये समझ लें, आज के हिसाब से अगर कोई शख्स 92 किलोमीटर का किसी ने अगर सफर किया, ठीक है, तो वो मुसाफिर हो गया 92 किलोमीटर। अब वो 92 किलोमीटर चाहे तो 1 घंटे में कर ले, 2 घंटे में सफर कर ले, 3 घंटे में कर ले, तो अगर 92 किलोमीटर है उसका सफर, तो वो मुसाफिर हो जाएगा और उसे फिर नमाज में कसर करना पड़ेगी। ठीक है, नमाज में कसर करना पड़ेगी। अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी या हवाई जहाज वगैरह से 3 दिन की राह थोड़े वक्त में तय कर ले, तो वो मुसाफिर होगा या नहीं? तो इसका जवाब दिया है कि मुसाफिर हो जाएगा, चाहे वो कितनी ही जल्दी सफर कर ले। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये मुसाफिर पर नमाज के बारे में क्या हुक्म है, तो देखिएगा, मुसाफिर पर वाजिब है कि कसर करे, यानी जोहर, असर, इशा 4 रकात और फर्ज नमाज को 2 पढ़े, उसके हक में वही रकात पूरी नमाज है। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप मुसाफिर हो गए, आपने 92 किलोमीटर का सफर कर लिया या उससे ज्यादा, आप कितना भी आप सफर कर लें, और आपकी नियत वहां पर, मतलब 92 किलोमीटर आपने सफर किया, 500 किलोमीटर किया, 600 किलोमीटर किया, 92 किलोमीटर से ज्यादा आपने सफर किया, तो इस बीच में आप मुसाफिर रहे, तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? अगर आप फजर की नमाज पढ़ेंगे तो उसमें कसर आपकी नहीं होगी। ठीक है, आपको 2 सुन्नत पढ़नी पड़ेंगे और 2 फर्ज, फजर की नमाज में कसर नहीं होती है। इसी तरीके से अगर आपने जोहर की नमाज पढ़ी सफर में, तो जोहर के आप 4 सुन्नत पढ़ेंगे पूरी, उसके बाद में जो 4 फर्ज होते हैं जोहर के, वो आप 2 पढ़ेंगे, यानी कसर करेंगे उसके अंदर, आपको 4 नहीं पढ़ना है। अब वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी शख्स ने जानबूझ के 4 पढ़ लिए तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, वो भी आप जरा सुन करके जाइएगा, क्योंकि ये सफर के जो मसाइल है ना, इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत हर किसी के साथ में ये मसला लगा हुआ है, हर इंसान का आना जाना लगा रहता है, कहीं ना कहीं लंबा सफर कर ही लेता है, लेकिन जब ये हमें मसाइल याद नहीं होते और फिर हम पूरी नमाज भी पढ़ लेते हैं, अगर किसी ने पूरी पढ़ ली तो वो गुनाहगार होगा या नहीं होगा, ये भी आप जरा सुनिएगा। तो देखिएगा, अब अगर आपने जोहर की नमाज पढ़ी तो उसमें 4 रकात नमाज फर्ज को 2 रकात आप पढ़ेंगे, कसर करेंगे जोहर में, फिर बाकी जो नमाज है 2 सुन्नतें 2 नफल वो आप पढ़िएगा। जो कसर होती है वो सिर्फ यूं समझिएगा कुछ वक्तों में है, जैसे जोहर में 4 फर्ज हैं तो इसमें कसर होगी, 2 पढ़ेंगे। इसी तरीके से असर की नमाज आप पढ़ेंगे सफर में, तो अगर आप मुसाफिर हैं तो 4 रकात फर्ज होते हैं असर में, तो उसमें आप 2 रकात पढ़ेंगे। ठीक, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे तो मगरिब में कसर नहीं होती है, तो उसमें आप 3 रकात फर्ज हैं तो 3 ही पढ़ेंगे, उसमें कम नहीं कर सकते। अब ईशा की नमाज आप पढ़ेंगे तो ईशा की नमाज में जो 4 रकात फर्ज होते हैं उन्हें आप 2 पढ़ेंगे, ईशा की नमाज में कसर करेंगे, लेकिन जो वितर की नमाज है उसमें कसर नहीं है। तो जोहर में, असर में और ईशा में, इनमें आपको कसर करना है, बाकी जो नमाज जिस तरीके से पढ़ते हैं सुन्नतें वगैरह उसी तरीके से आपको पढ़ना है। बहुत सारे लोग यहां भी ये करते हैं, सिर्फ 2 ही रकात पढ़ लेते बाकी पूरी नमाज छोड़ देते, ऐसा भी नहीं करना, बल्कि और जो वक्त है आपके पास तो आप पूरी नमाज पढ़िएगा, सिर्फ फर्जों फर्जों में कसर करना है, वो भी इसलिए कि इंसान थका हारा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे के लिए ये आसानी फरमाई है, इसमें तख़फ़ीफ़ फरमाई है कि ये मुसाफिर है तो ये 4 की बजाय 2 पढ़ ले। ठीक है, ये अल्लाह का करम है। अब आइएगा,
वो मसला जो भी आपसे मैंने जिक्र किया, अब अगर कोई शख्स है और वो मुसाफिर है, ठीक है, और मुसाफिर होने के बाद अब वो यानी जोहर की 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहा है और उसने जो है पूरी नमाज पढ़ ली, फर्ज नमाज उसने पूरी पढ़ ली, अब वो सोच रहा है कि यार चलो पूरी तो पढ़ ली, कम थोड़ी पढ़ी है मैंने, है ना, सवाब भी मिलेगा, कोई गुनाह तो होगा नहीं, भाई रोजाना पूरी पढ़ता हूँ, सफर में भी अगर मैंने पूरी पढ़ ली तो इसके ताल्लुक से देखिएगा मसला लिखा है। अगर देखिए सवाल ये हुआ कि अगर किसी ने कसदन 4 ही पढ़ी तो क्या हुक्म है, यानी जो है जोहर में 4 फर्ज हैं तो 4 ही पढ़ी तो क्या हुक्म है, तो जवाब दिया है कि अगर कसदन 4 पढ़ी और दूसरा कादा किया तो फर्ज अदा हो गया और आखिरी 2 रकातें उसकी नफल हो गई, मगर गुनाहगार और मुस्तहिक नार हुआ, तोबा करे, और अगर 2 रकात पर कादा ना किया तो फर्ज अदा ना हुआ। अगर किसी ने 4 रकात पढ़ी है तो 2 रकात तो अगर 2 रकात पे उसने कादा कर लिया है ना तो उसकी 2 तो फर्ज, उसका फर्ज तो अदा हो गया, ठीक है, और बाकी जो 2 रकात बची हैं वो नफल हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए बता रहे हैं कि वो गुनाहगार भी हुआ और मुस्तहिक नार भी हुआ, उसके लिए वो तोबा करे, वो तोबा करे। तो ये जैसे कि हिदाया के अंदर ये मसला मौजूद है, फतावा आलमगीरी के अंदर भी ये मसला दिया है, तो इसलिए जब हम सफर के लिए निकले ना तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम जो जा रहे हैं सफर पे, है ना, अगर ये 92 किलोमीटर है, उससे ज्यादा का सफर है, तो फिर आप मुसाफिर हो जाएंगे, जब आप अपनी बस्ती से बाहर हो जाएंगे तो आप मुसाफिर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप कहीं गए, जैसे मान लीजिएगा अजमेर शरीफ गए या दिल्ली या ये क्या बोलते हैं मुंबई गए, और वो 92 किलोमीटर से दूर है, दिल्ली 92 किलोमीटर से दूर है आपकी, और वहां आप सफर कर रहे हैं, जब आप वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद में आपने 15 दिन ठहरने की, वहां रुकने की नियत कर ली, तो फिर आप वहां पर कसर नहीं करेंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आप वहां मुकीम हो गए 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने की आपने नियत कर ली है तो। और अगर 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको वापस आना है, या 2-3 दिन यहाँ रुकना है फिर चले जाना है, 2 दिन वहां रुकना फिर चले जाना, या 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको वापस आ जाना, तो आप फिर मुसाफिर ही रहेंगे, मुकीम नहीं होंगे। या तो वहां जाकर जहां का आपने सफर किया है वहां जाकर आप नियत करेंगे कि भाई मैं अब यहां से 15 दिन के बाद जाऊंगा, 1 महीने में जाऊंगा, तो आप मुकीम हो जाएंगे, आप फिर कसर नहीं करेंगे। या फिर आप अपनी बस्ती में लौट करके वापस आ गए तब आप मुकीम हो जाएंगे, फिर आप कसर नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइएगा, अब यहां पर एक मसला मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिएगा अगर कोई इमाम साहब हैं, मौलाना साहब हैं, और वो मुसाफिर हैं, आपकी बस्ती में आ गए और आपने कहा भी मौलाना साहब आप नमाज पढ़ा दीजिएगा, तो इमाम साहब के लिए हुक्म ये है कि वो मुक्तदियों में खड़े होकर के ये ऐलान कर दें, भाई देखो मैं मुसाफिर हूं, मैं 2 रकात पढ़ूंगा, आपको नमाज पढ़ा रहा हूं, 2 रकात पे अपना सलाम फेर दूंगा और बाकी आप अपनी 4 रकात पूरी कर लें। इस तरीके से उनको ऐलान करके मुक्तदी को बता दें ताकि वो 2 रकात पे सलाम फेर लेंगे, मुक्तदी अपने खड़े हो जाएंगे और अपनी 4 रकात पूरी कर लेंगे। अब इसी के ताल्लुक से लिखा है कि अगर मुसाफिर अगर किसी मुकीम के पीछे नमाज पढ़े तो क्या करे। जैसे इसमें 2 मसले हैं, एक तो मुसाफिर इमाम है और एक मुकीम है, ठीक है, और एक मुकीम है, तो इसके ताल्लुक से लिखा अगर मुसाफिर अगर किसी मुकीम के पीछे नमाज पढ़े, जैसे मान लीजिएगा मैं सफर कर रहा हूं और 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा मैंने सफर कर लिया और किसी मस्जिद में मैं पहुंच गया और वहां पर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, तो अब मुझे 2 रकात पढ़ना है या उसके साथ पूरी नमाज पढ़ लेना है, वो आप समझ ले। तो लिखा है कि मुसाफिर अगर किसी मुकीम के पीछे पढ़े तो पूरी पढ़े, कसर ना करे। इमाम साहब 4 पढ़ा रहे हैं तो 4 पढ़िएगा, उसमें आप 2 रकात पर सलाम मत फेरिएगा, अगर मुकीम इमाम के पीछे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, मुकीम अगर मुसाफिर के पीछे पढ़े तो क्या करे। मुकीम अगर मुसाफिर के पीछे पढ़े तो इमाम के सलाम फेर देने के बाद अपनी बाकी 2 रकातें पूरी कर ले और उन रकातों में किरात बिल्कुल भी ना करे, बल्कि सूरह फातिहा पढ़ने की मिकदार चुपचाप खड़ा रहे, जैसे कि बाहर शरीयत में लिखा है। और अगला सवाल कर दिया, अगर मुसाफिर इमाम ने कसर ना किया, ठीक है, और पूरी 4 रकात पढ़ा दी तो मुक्तदी की नमाज हुई या नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कोई इमाम साहब हमारी मस्जिद में आ गए और वो मुसाफिर हैं, उन्होंने जोहर की 4 रकात पढ़ा दी, उन्होंने कसर नहीं की उसके अंदर, यानी 2 पे सलाम नहीं फेरा, और उन्होंने पूरी 4 रकात पढ़ा दी जोहर की नमाज,
तो अब क्या हुक्म होगा? तो जवाब दे रहे हैं कि मुसाफिर इमाम ने चार पढ़ा दी तो मुकीम मुक्तदी की नमाज नहीं हुई। ठीक है, जैसे कि फतावा रजविया के अंदर ये मसला मौजूद है। जैसे आपकी मस्जिद में कोई मौलाना साहब आए और आपने कहा कि भाई हजरत आप नमाज पढ़ा दीजिएगा जोहर की, इमाम साहब नहीं होते या इमाम साहब कह देते हैं, और अगर वो मौलाना मुसाफिर हैं, ठीक है, और वो कसर करते मुसाफिर हैं, तो और उन्होंने जो है पूरी चार रकात ही पढ़ा दी, तो इसमें जो है मुक्तदियों की नमाज नहीं होगी, मुक्तदियों को दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी। या फिर इमाम साहब ऐलान करते कि भाई देखो मैं मुसाफिर हूं, मैं दो रकात पे सलाम फेर दूंगा, तुम अपनी बाकी दो रकात पूरी कर लेना, इस तरीके से नमाज हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।